युवराज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, कोकोनट एक्सपोर्ट के बारे में, नारियल आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे इस चैनल में मैं आपके लिए एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज आपके लिए ला रहा हूँ, ताकि आप भारत से अच्छी तरह ये बिजनेस स्टार्ट करें और एक्सपोर्ट स्टार्ट करें, ताकि भारत का इकोनॉमी आगे बढ़े। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। आज का प्रोडक्ट का नाम है नारियल और कोकोनट को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कौन से कंट्रीज, कौन से देश कोकोनट बाय करते हैं और कौन से देश में प्रोडक्शन ज़्यादा है, कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, पैकिंग कैसे करोगे, पेमेंट सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कोकोनट कहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है, कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन से हैं। टॉप 10 कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री में इंडिया का नंबर तीसरा नंबर में आता है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, थर्ड लार्जेस्ट। पहले नंबर में फिलीपींस है, पहले नंबर में आता है फिलीपींस, जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कोकोनट नारियल प्रोड्यूसिंग करता है, प्रोडक्शन कंट्री है, नारियल प्रोडक्शन कंट्री है फिलीपींस। सेकेंड में आता है इंडोनेशिया, थर्ड में आता है इंडिया और दूसरा कंट्री, तीसरा, फोर्थ कंट्री, फिफ्थ कंट्रीज आर जैसे कि श्रीलंका हो गया, वियतनाम हो गया, देन आपका ब्राज़ील हो गया एंड ऐसे पपुआ न्यू गिनी है, ऐसा मलेशिया है। तो बहुत सारे कंट्री वर्ल्ड का टॉप 10 कंट्री में इंडिया का नाम है, तीसरा नंबर, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, थर्ड नंबर में आता है इंडिया, जो ज़्यादा से ज़्यादा नारियल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसलिए ये मौका आप देखिए, क्योंकि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, थर्ड लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो आप नारियल को प्रोसेस करके फ्रेश नारियल, ड्राई नारियल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिलीपींस नंबर वन है, सेकंड में इंडोनेशिया, थर्ड में इंडिया है। तो इंडिया में कहाँ पर नारियल प्रोडक्शन ज़्यादा है, नारियल कहाँ पर ग्रो होता है, तो सबसे नंबर वन स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका है लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया जहाँ पर नारियल ज़्यादा ग्रो होता है। सेकंड में है केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, गोवा है एंड जितना सारे स्टेट इंडिया का जो कोस्टल एरिया में लोकेटेड है, समुद्र किनारे में लोकेटेड है स्टेट्स है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नारियल ग्रो होता है। तो कर्नाटका, केरला, गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और गुजरात में कुछ एरिया और महाराष्ट्र, ये जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नारियल ग्रो होता है। पहला नंबर में है आपका कर्नाटका एंड सेकंड में है केरल। तो इन्हीं स्टेट से आपको नारियल को, फ्रेश नारियल, ड्राई नारियल को सोर्स करके आपको एक्सपोर्ट करना है। फ्रेश नारियल जहाँ पर वो ग्रीन कलर का नारियल होता है, उसको पानी, उसका पानी पीने के लिए नारियल, आम पानी पीते हैं, तो उस नारियल को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो नारियल इम्पोर्टिंग कंट्री कौन से है, कितने सारे कंट्री नारियल इम्पोर्ट करता है, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। नारियल इम्पोर्टिंग कंट्री में है अमेरिका, है अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन में और बहुत सारे कंट्रीज, रशिया है, मिडिल ईस्ट कंट्री में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है एंड चाइना है, वियतनाम है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड काफ़ी कम इम्पोर्ट करता है इस एरिया भारत से। तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉप 10 कंट्रीज सबसे ज़्यादा नारियल प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करने वाला कंट्री है अमेरिका, यूएसए, कनाडा एंड यूके, यूरोपियन यूनियन में और ढेर सारे कंट्री एंड रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जहाँ पर दुबई उनका सिटी है, देन सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, चाइना। तो चाइना क्या करता है, चाइना जो नारियल अमेरिका, कनाडा, यूके, यूएई में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस रहते हैं। ठीक है, तो इंडियंस नारियल का जो वैल्यू जानते हैं, नारियल पूजा किया जाता है, नारियल का पानी पीते हैं और नारियल का जो बायो प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट बनता है। तो फ्रेश नारियल, फ्रेश कोकोनट भी जाता है कहाँ पर, अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन, रशिया। रशिया एक बड़ा मार्केट है नारियल के लिए, नारियल कुछ जगह पर मिलता है। अगर आप फ्रेश नारियल, ड्राई नारियल को रशिया को एक्सपोर्ट करोगे तो आप मिलियन डॉलर का बिजनेस कर पाओगे। अकेला अमेरिका, ओनली अमेरिका अप्रोक्सीमेटली 55 मिलियन डॉलर का नारियल इम्पोर्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिंगापुर सेकेंड में 28 मिलियन डॉलर का इम्पोर्ट करता है, नेदरलैंड इम्पोर्ट करता है, वियतनाम इम्पोर्ट करता है, मलेशिया भी इम्पोर्ट करता है। मलेशिया के पास भी काफ़ी सारे नारियल है, मलेशिया के पास बहुत सारे आइलैंड्स है, तो वहाँ पर नारियल भी है, लेकिन उनका नारियल कम पड़ता है। मलेशिया में
जो वहाँ पर तमिल ज़्यादा रहने, इंडियन हिंदू तमिल से, तो वो यूज करते हैं नारियल का पानी पीने के लिए, नारियल का पूजा पाठ करने के लिए, ऑल्सो नारियल का जो बाय प्रोडक्ट बनता है तेल वगैरह, तो उसका यूज करने के लिए भी मलेशिया इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट नारियल से बनता है, जितने सारे आप क्रीम वगैरह यूज करते हो, क्रीम तेल वगैरह, तो सब में नारियल का यूज होता है, नारियल तेल का यूज होता है। इसीलिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नारियल को इंपोर्ट करने वाला कंट्री अमेरिका है, चाइना है। तो ये कंट्री का नाम बता रहा हूँ मैं आपको, वंस अगेन इन कंट्री को आपको टारगेट करना है, अमेरिका, कनाडा, यूके, यूके, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देन आपका सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, चाइना, ये देश को आपको नारियल को सोर्स करके ड्राई नारियल एंड फ्रेश नारियल को एक्सपोर्ट करना है। तो मैं आपको बता दिया नारियल को कहाँ सोर्स करना है। नारियल को इंडिया में आपको कर्नाटका, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन्हीं स्टेट से आपको नारियल को सोर्स करना है, एक्सपोर्ट करना है आपको अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑल द यूरोपियन कंट्री का 27 कंट्रीज, रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, चाइना, इन्हीं कंट्री को आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो इन्हीं कंट्री को एक्सपोर्ट जो करते हो, तो यहाँ पर अमेरिका में, अकेला अमेरिका में अप्रोक्सीमेटली 25 to 28 लाख इंडियंस अमेरिका में रहता है, 35 लाख इंडियंस यूएई में रहते हैं। तो ये जो नारियल इंपोर्ट करते हैं, बाय करते हैं, नारियल को खाते हैं, पानी पीते हैं और उसका एक प्रोडक्ट भी यूज करते हैं। बाकी जो कंट्री अमेरिका, कनाडा और चाइना, वियतनाम, मलेशिया, ये जो इंपोर्ट करते हैं नारियल को, तो नारियल का जो प्रोडक्ट होता है तेल में, क्रीम में, मेडिसिन में यूज करते हैं नारियल को, ठीक है। तो ये भी कंट्री को आपको टारगेट करना है। तो कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, नारियल एक फ्रूट में जाता है, तो फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्ट करने के लिए जो अपेडा का लाइसेंस होता है वो लाइसेंस का जरूरी है, और अगर आप नारियल के लिए भी आपको फसाई लाइसेंस का ज़रूरत है। तो आपको मैं पहले फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट्स है तो वो मैं बता चुका हूँ, और नारियल जो नारियल का जो बोर्ड है, नारियल एक्सपोर्ट बोर्ड है, उसका मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ। तो इन्हीं वेबसाइट में जाकर आपको रजिस्टर करना है एज एन एक्सपोर्टर, और बहुत सारे जो बायर्स इंडिया से बाय करते हैं नारियल, इन्हीं इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नारियल बोर्ड जो होता है, कोकोनट बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इन्हीं साइट में जाकर वो ढूंढते हैं, बायर ढूंढते हैं। तो आपको इन्हीं साइट में जाकर लाइसेंसिंग प्रोसीजर देख लेना है और यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, नारियल एक्सपोर्ट करने के लिए एक बोर्ड बनाया है, नारियल कोकोनट बोर्ड ऑफ इंडिया। कोकोनट बोर्ड ऑफ इंडिया भारत के नारियल एक्सपोर्टर्स को मदद करता है कैसे आप नारियल अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करोगे। ओनली इंडिया, भारत 140 देशों को नारियल एक्सपोर्ट करता है और मिलियन डॉलर्स का बिजनेस है ये। तो नारियल में, नारियल का जो कोयर बोर्ड है, नारियल का कोयर बोर्ड एक होता है, नारियल का जो उसका जो ऊपर का छिलका से भी कोयर बनता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनता है। तो कोयर बोर्ड ऑफ इंडिया से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, फ्रेश नारियल एक्सपोर्ट कर सकते हो और ड्राई नारियल भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, और नारियल का तेल वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट नारियल से भी एक्सपोर्ट होता है। तो हम बात करते हैं फ्रेश नारियल और ड्राई नारियल को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे। तो लाइसेंसिंग प्रोसीजर में बता दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एमएसएमई सर्टिफिकेट अप्लाई कर लीजिए, जीएसटी अप्लाई कर लीजिए, करंट बैंक अकाउंट अप्लाई कर लीजिए और फसाई लाइसेंस अप्लाई कर लीजिए, एंड अपेडा का जो आरसीएमसी अप्लाई कर लीजिए। तो इतना लाइसेंस हो गया। अगर आपने वेबसाइट नहीं बनाया है, स्पेशल एक वेबसाइट बना के अलग अलग नारियल का फोटो एंड नारियल का प्रोडक्ट का फोटो रखकर वेबसाइट बना सकते हो। वेबसाइट बनाने के बाद आप मार्केटिंग स्टार्ट कर लीजिए। वेबसाइट में आपको ऑनलाइन में पेमेंट गेटवे रखिए, 200 के ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन रखिए और उसका ब्लॉग सेक्शन रखिए। रखने के बाद क्या होगा, अलग अलग देशों में जब मार्केटिंग होगा, अलग अलग देशों के बायर्स, इंपोर्टर्स, आम आदमी आपका ब्लॉग्स पढ़ेंगे नारियल के बारे में। पढ़ने के बाद आपका वेबसाइट को जाएंगे, आपका वेबसाइट में नारियल का काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रहेगा, फ्रेश ड्राई नारियल्स रहेगा। वो पढ़ने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आपको सैंपल के लिए ऑनलाइन में बाय कर सकते हैं, पे करके। ऑल्सो आपको कॉन्टैक्ट पेज आपका वेबसाइट में जाकर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वेबसाइट बना लीजिए, फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग कर लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग करके जितने सारे कंट्री बता दिया, डिजिटल मार्केटिंग में मेन आगे आपका फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, देन आपका लिंक्डइन, ट्विटर और आपका इंस्टाग्राम, इतने सारे मार्केटिंग आपको ऑनलाइन में करना है। ईमेल मार्केटिंग भी करना है और आपको बहुत सारे मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में आता है, SEO, SEM वाला मार्केटिंग है।
कैसे मार्केटिंग करके आपको अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन का 27 कंट्रीज, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड देन आपका जो रशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, चाइना, इन्हीं देश को टारगेट करके आपको मार्केटिंग करना है। नारियल का मार्केटिंग करना है, ड्राई नारियल एंड फ्रेश नारियल का मार्केटिंग करने के बाद धीरे धीरे आपको ऑर्डर मिलते जाएगा ऑनलाइन में, फिर आप इंडिया से नारियल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो नारियल एक्सपोर्ट करने के लिए पैकिंग में ठीक से उसको कट करके उसको ड्राई नारियल का, फ्रेश नारियल को, पूरा नारियल तो बड़ा साइज है, उसको कट करके छोटा करके उसके ऊपर आपका जो मोनोग्राम होता है, आपका जो कंपनी का जो लोगो होता है उसको चिपका कर आप उसको पैकिंग करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर लार्ज क्वांटिटी में आपको ऑर्डर मिलता है फ्रेश या ड्राई नारियल, तो आपको कंटेनर में 20 फीट 40 फीट कंटेनर में भर के उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पेमेंट में आप एलसी पेमेंट में जा सकते हो, 30-40% एडवांस, बाकी एलसी में पेमेंट में जा सकते हो। तो नारियल एक्सपोर्ट कैसे करोगे, ज़्यादा जानकारी के करने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा ई बुक पढ़िए। मैंने काफ़ी सारे ई बुक लिखा हूँ, ई बुक मतलब इंटरनेट बुक, करीब मेरे जितने सारे बुक है करीब 50-50 to 75-100 पेजेस का बुक रहता है, उसमें मैं अलग अलग प्रोडक्ट का बुक लिखा हूँ। अमेजन में भी सेल होता है और मैं ऑनलाइन में भी हम सेल करते हैं। तो हाउ टू एक्सपोर्ट कोकोनट, कैसे आप नारियल को सेल करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, वो मेरा बुक खरीद कर पढ़िए। पढ़ने के बाद तो आपको काफ़ी डिटेल्स में पता चलेगा कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करना है। बांग्लादेश भी जाता है, भूटान भी जाता है, मालदीव्स भी, मालदीव्स में ज़्यादा नारियल में, मालदीव्स में, श्रीलंका में एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, और आपका नेपाल में जाता है। तो बहुत सारे कौन से कंट्री को नारियल एक्सपोर्ट करोगे, कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या लाइसेंस का रिक्वायरमेंट्स है, और कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ये सब ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा ई बुक बाय कर लीजिए। ई बुक बाय करके आप नारियल कैसे एक्सपोर्ट करके करोगे वो जानने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा नारियल भारत से अलग अलग स्टेट से सोर्स करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ई बुक खरीदना चाहते हो तो ई बुक के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा आने वाले बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट है, trademyproduct.net में पढ़कर ज़्यादा जानकारी पा सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।